बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स की डेफिनेशन ये है कि मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी में ग्रोथ, डिवेलपमेंट एंड नरिशमेंट के लिए काम करते हैं, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। और इसकी दो कैटेगरीज हैं मेन जो हैं, उसमें मेजर मिनरल्स आ जाते हैं और माइनर मिनरल आ जाते हैं। मेजर मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, वो मेजर मिनरल्स होते हैं। जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस, इस तरह के जो मिनरल्स हैं ये मेजर में आते हैं। माइनर मिनरल्स जिसकी बॉडी को ट्रेस अमाउंट में ज़रूरत होती है या बहुत थोड़ी ज़रूरत होती है एक ग्रोथ के लिए या डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, तो उसको कहते हैं माइनर मिनरल्स। तो इसमें जिंक आ जाता है, सिलीनियम आ जाता है, कोबाल्ट, तो इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं वो माइनर मिनरल्स कहते हैं उनको। तो नेक्स्ट हम इन मिनरल्स के जो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स हैं, मेजर और माइनर, इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आएगी। तो ये इस वीलॉग को आप पूरा देखें और शेयर भी करें। फूड साइंस और न्यूट्रिशन के हवाले से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।